उत्तर प्रदेश का जल जीवन मिशन का घोटाला एनआरएचएम से बड़ा एक महा घोटाला है यह मैं पहले दिन से कह रहा हूं लेकिन आज मेरे आरोपों की पुष्टि जल निगम के एक अधिशासी अभियंता के द्वारा की जा रही है और जो चिट्ठी मेरे हाथ लगी है यह मेरे आरोपों की पुष्टि करती है यह चिट्ठी यह बताती है कि जो महा घोटाले का आरोप मैंने सरकार के ऊपर साक्ष्यों सहित कागजों सहित लगाया है वो पूरी तरह से सच है और ये चिट्ठी क्या कह रही है ये निर्दोष कुमार जौहरी जी हैं अधिशासी अभियंता हैं निर्दोष कुमार जौहरी ये अधिशासी अभियंता हैं कन्नौज जल निगम के और ये अधिशासी अभियंता महोदय कह रहे हैं कि कानपुर मंडल में जल निगम के द्वारा जो स्वीकृत दरें हैं उन दरों से 30 से 40 प्रतिशत अधिक दरों पर जल जीवन मिशन में काम कराया जा रहा है 30 से 40 प्रतिशत अधिक दरों पर जल जीवन मिशन में काम कराया जा रहा है और यह आगे भी लिख रहे हैं कि इनके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है कि ये बढ़ी हुई दरें वो स्वीकृत करें इनको प्रताड़ित किया जा रहा है इनका उत्पीड़न किया जा रहा है तो मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी से कि आप घोटालों की महा घोटालों की जांच कराने के बजाय आज मैंने देखा विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य आनंद सिंह भदौरिया माननीय सदस्य संजय सिंह संजय लाठर माननीय सदस्य राजेश यादव जी ने जब यह मामला उठाया तो माननीय मंत्री जी बौखला गए वो कह रहे हैं जिसकी मां ने दूध पिलाया है अरे अपने महा घोटाले पर जवाब दीजिए किसकी मां ने कितना दूध पिलाया है जांचने की कोशिश मत कीजिए मंत्री जी और मैं फिर दोहरा रहा हूं हमारे आरोपों को निर्दोष कुमार जौहरी की यह चिट्ठी सही साबित करती है यह संजय सिंह की चिट्ठी नहीं है यह जल निगम विभाग के अधिशासी अभियंता की चिट्ठी है जो लिख रहे हैं कि 30 से 40 प्रतिशत अधिक दरों पर जल जीवन मिशन में काम कराया जा रहा है इसकी जांच कराइए इसकी सीबीआई कराइए इसकी सुप्रीम कोर्ट कोर्ट, मॉनिटर्ड एसआईटी से जांच कराइए तब इसका सच पता चलेगा आदित्यनाथ जी और तभी आप लोगों को जेल भेज पाएंगे यह महाघोटाला है महाघोटाला है और महाघोटाला है